मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल टॉक्स जो होते हैं वो मनोरोग को ठीक करने के लिए तो काम आ जाते हैं। जो व्यक्ति संसार के अंदर चल नहीं पा रहा, जो व्यक्ति संसार में दुखी है, संसार के लिए दुखी है, वो अगर मनोरोगी है, मन का रोगी है, उसे विषय में लिप्त होने के लिए ठीक से साधन नहीं मिल रहे और वो दुखी है संसार से, उस मनोरोगी के लिए तो मोटिवेशनल स्पीच और टॉक काम आ सकती है। मनोरोगी के लिए ठीक है, लेकिन जो आत्मरोगी है, जिसको आत्मा की पीड़ा है, जिसको आत्मा का ताप है, क्योंकि आत्मा का ताप, आत्मा का संताप केवल मात्र उस व्यक्ति को होता है जो आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है। मनोरोगी तो संसार में कुछ ना मिलने से भी व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है, लेकिन आत्मरोगी वही व्यक्ति है जिसने आत्मा का, जिसने चिंतन किया है, जिसने आत्मा के विषय को चुना है, जिसने अध्यात्म को चुना है, केवल उसे ही आत्मा की पीड़ा और आत्मा का संताप होता है, आत्मा का ताप होता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो आत्मरोगी है, वह मोटिवेशनल टॉक और स्पीच से ठीक नहीं होता। उसके लिए तो केवल मात्र तम कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगला श्रीमदात तम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, उसके लिए तो केवल मात्र कृष्ण की कथा, हरि कथा, वैष्णवों की वाणी, गुरुजनों की वाणी ही उसके ताप को हर सकती है। कोई मोटिवेशनल टॉक, कोई मोटिवेशनल स्पीच उसे ठीक नहीं कर सकती जिसको आत्मा का ताप हो। तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही, कथा मतलब भगवान के परिकरों की कथा, भक्तों की कथा, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुणों का गुणगान, केवल मात्र ये शुद्ध भगवान के जो तत्व हैं, वही एक आत्मरोगी को ठीक कर सकते हैं। मनोरोगी को ठीक हो सकती है, लेकिन आत्मरोगी को ये मोटिवेशनल स्पीचेस, ये प्रेरणाएं, संसार की कहानियां, इधर उधर से बातें, वो बातों से ठीक नहीं होता, वो केवल मात्र भगवान की कथा से ही ठीक होगा, शुद्ध कथा से, जिसमें भगवान की शुद्ध लीलाएं, भगवान के शुद्ध सिद्धांत और भगवान की शुद्ध चर्चा जिसमें हो। क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रमाण है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन, तपते हुए आत्मा को अगर कोई शांत कर सकता है तो केवल मात्र आपकी कथाएं हैं, ना कि प्रेरणादायक बातें। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हताश हये हरि, जब मैं हताश हो जाता हूं संसार से नहीं, आपको पाने की चाह में जब मुझे लगता है कि मैं हताश हो गया हूं, तब नाम उच्च करी, हताश है ये हरि तव नाम उच्च करी, तब आपका नाम उच्च स्वर में करने से ही मुझे शांति मिलती है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का प्रमाण है। और निदाय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चंद्रों के, करोड़ों चंद्रों के समान सुशीतल श्री नित्यानंद जी के चरण, यानी कि गुरुदेव का आश्रय, जिन्होंने हमें इस हरि नाम को दिया है, इस हरि कथा को दिया है, उनके मुख से आई हुई हरि कथा ही हमारे ये छाया जगत जुड़ा, जो ये छाया जब हमारे ऊपर पड़ेगी, तब हम लोग आत्मा, अगर हम आत्मा के रोगी हैं, तब हम लोग इस छाया से ही अपने आप को ताप से मुक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में संसार की प्रेरणा का कोई काम नहीं है, आध्यात्मिकता में केवल मात्र आपको हरि कथा, हरि चर्चा, हरि के गुणगान ही काम आएंगे। आप संसार की जितने मर्जी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जितने मर्जी मोटिवेशनल टॉक्स सुन लें, आपको किसी काम की नहीं आएंगी। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है।